गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ की चैप्टर सेवन की थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर 7.2 करेंगे। सबसे पहले थ्योरम है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये थ्योरम हमें करनी है जो आपके सिलेबस में सेवन चैप्टर में कंग्रेंसी में। तो ये थ्योरम करने के बाद हम स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाएंगे। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी टू साइड इक्वल शो करेंगे। इसका गिवन लिखेंगे। गिवन और टू प्रूव सभी क्वेश्चंस का लिखना जरूरी है जो हमने थ्योरम करनी है। तो इसका गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और इस ए सी इक्वल गिवन है। अब टू प्रूव करना है कि एंगल बी इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करना है। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, इक्वल साइड ये है, इनके ऑपोजिट एंगल बी और सी है, वो हमने इक्वल प्रूव करने हैं। तो प्रूव लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यही स्टेटमेंट जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वही हमने यहाँ पे लिखनी है। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच मीड बी थी या डी, जो बी सी को डी पे मीट करता है। ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल ए का जो बी सी को डी पे मीट करता है। बाइसेक्टर मीन एंगल ए का हाफ किया है। तो ये वन और टू हमारे पास इक्वल हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ के अंदर हमने ये दोनों ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी या ए बी डी और ए सी डी कंग्रेंट करनी है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी और दूसरे सीक्वेंस लेंगे ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इसको कंग्रेंट करेंगे तो सबसे पहले हमने कंडीशन लेनी है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अब दूसरी कंडीशन लेंगे ए डी ए डी कॉमन है। और तीसरी कंडीशन ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ए बाय कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अब ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी, साइड बीच वाला एंगल और ये वाला साइड, उधर भी ऐसे साइड है बीच वाला एंगल है और कॉमन साइड है। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी बाय ये हमारे पास एस एस कंडीशन बन गई। एस एस कंडीशन। अब ये ट्रायंगल हमने कंग्रेंट कर ली और यहीं से कंग्रेंट करने के बाद बाय सिंपलिसिटी हम एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कर लेंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी
बाय सी बी सी टी। तो यही हमने प्रूफ के अंदर लिखा है, तो प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और यही हमने एंड में प्रूफ किया है। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ होगी, थ्योरम नंबर 7.2, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो थ्योरम को ध्यान से समझ लें, थ्योरम आपको पेपर में आ सकती है। और वीडियो को शेयर करना जरूर, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अभी हम दूसरी थ्योरम करेंगे, सेकंड, साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये इसका कन्वर्स है दूसरी, तो अभी दूसरी की थ्योरम करने हैं। अब हम दूसरी थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 7.3, साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल के एंगल इक्वल हैं, उसकी हमने ऑपोजिट साइड इक्वल करनी है, इसका कन्वर्स है जो हमने अभी किया। तो उसके लिए भी हमें फिगर बनानी पड़ेगी, वैसे ही सेम वैसे फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, तो यहाँ पे हमने ये हमने ट्रायंगल लिए ए बी सी, और हमने यहाँ पे गिवन लिखना है इसका भी ट्रायंगल ए बी सी इन विच हमने क्या लेना है, एंगल बी लेना है सी के इक्वल, साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल हमने बी और सी लेने हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये हमने प्रूव, ए बी इक्वल टू ए सी हमने प्रूव करना है। इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जो पिछला हमने थ्योरम की है जैसे उसमें एंगल बाय सेक्टर ए का जो किया है वैसे इसमें लो करेंगे। ड्रॉ बाय सेक्टर एंगल ए विच मीट बी सी एट डी, तो एंगल ए का बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो बी सी को डी पे मीट करेगा। तो यहाँ पे एंगल वन और एंगल टू डाल देंगे, दोनों इक्वल हैं, ये बायसेक्टर ड्रॉ किया हमने एंगल ए का। अब प्रूफ शुरू करेंगे, इसमें हम परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं बी सी का, तभी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। अब प्रूफ शुरू करेंगे, वैसे दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, अब इनको कंग्रेंट करना है हमें, कंग्रेंसी की कंडीशन हमें तीन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है, और एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बाय कंस्ट्रक्शन है, और तीसरी कंडीशन जो है वो हमने ए डी ए डी लिखनी कॉमन है, दोनों में ए डी ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, ए डी इक्वल टू कॉमन है। तो देयर फॉर लिखेंगे ट्रायंगल कंग्रेंट है, ए बी डी कंग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी बाय, कौन सी कंडीशन बन गई, दो एंगल है और एक ये साइड है, ए ए एफ कंडीशन बाय ए ए एफ कंडीशन। अब ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी, अब हमने साइड इक्वल प्रूव करनी है, ये हमने ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करनी है, तो यहाँ से कंग्रेंट होगी दोनों ट्रायंगल, तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू
एसी बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। तो यही हमने क्वेश्चन के अंदर थ्योरम के अंदर प्रूव करना था, तो ये हमारी सेकंड थ्योरम होगी। तो दोनों थ्योरम ध्यान से कर सकते हो आप और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। ओके, थैंक यू वेरी मच।